राम राम भाई साहब। राम राम जी। राम राम भाई साहब, अपना शुभ नाम और प्रॉपर एड्रेस शेयर करें जी। जी मेरा नाम सीताराम योगी है जी। विलेज चुनावड़ कोठी, जिला व तहसील श्री गंगानगर है, स्टेट राजस्थान है जी। श्री गंगानगर मेन सिटी से कितने किलोमीटर है जी? बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से सर जी ये 13 किलोमीटर है। मेन हाईवे के ऊपर गांव है जी अपना। मेन हाईवे पदमपुर रोड के ऊपर ही चुनावड़ कोठी विलेज का नाम है। हाँ जी। तो आज की वीडियो में भाई साहब कितनी गायें सेल के लिए अवेलेबल है जी? आज की वीडियो में सर जी 6 गाय। 6 गाय दिखा रहे हो? हाँ जी सर जी। 6 गाय में सर जी 3 गाय अपने घर की है और 3 गाय सेल परचेज का काम है, आपको भी पता है सर जी। जी बाहर से भी लेके आते हैं। वैसे अपने पास 200 गाय है जी। 200 गाय घर की है? घर की है जी। और जो पुराने व्यूवर्स वीडियो देखते हैं वो सभी जानते ही हैं, उनको तो पता ही है भाई कितनी गाय है। अपने वैसे पूरी फैमिली में गाय देखे तो 5000 के आसपास गाय है जी। और जी पूरे गांव के अंदर 2000 गाय है। तो जो 3 गाय घर की आपके फार्म की है यानी कि, तो वो तो पूरी तसल्ली वाली गारंटी वाली गाय है जी। ये गंगानगर का मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर जी, 3 जिलों का ये पहला गाँव है जिस जहाँ से राठी गाय की सेल परचेज का काम स्टार्ट हुआ था। अच्छा जी। जी टोटल 6 गाय दिखाएंगे। हाँ अपने दूध क्षमता के बारे में बात करें सर जी। दूध क्षमता सर जी आज 14 लीटर से लेके जी और 20 लीटर तक की गारंटी देंगे जी। गारंटी। हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर जी? जी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8003032902। यह नंबर व्यूअर्स आपको नीचे स्क्रीन पर मेंशन होंगे। तो इससे आगे भाई साहब सभी गायों की प्रॉपर डिटेल शुरू करते हैं जी। जी जरूर। तो जो प्राइस रहेगा वो ट्रांसपोर्ट इंक्लूड के साथ रहेगा जी? हाँ जी सर। कितने किलोमीटर तक? 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर तक फ्री ट्रांसपोर्ट के साथ प्राइस बताया जाएगा। हाँ जी। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर पर है भारी भरकम बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर गायें देख सकते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के अंदर है। अदर क्वालिटी की बात करें वो भी काफ़ी शानदार है। गाय के साहिवाल ब्रीड करेक्टर भी देख सकते हैं। प्रॉपर डिटेल भाई साहब इसकी? सर जी सेकंड बार बच्चा देगी जी। पूरे गांव के अंदर 5000 गाय है जी। इतनी हाइट और जो लंबाई की गाय है ना आपको नहीं देखने को मिलेगी जी। अपने घर की है, फार्म पे तैयार की हुई गाय है जी। आपके खुद के फार्म की है? हाँ जी अपने घर की गाय, अपने फार्म की गाय है। फर्स्ट ब्यांत में दूध दिया था इसने लगभग 16 लीटर के आसपास अपने पहले ब्यांत के अंदर जी। और अब की बार दूध निकालेगी 18-19 लीटर। तो साहिवाल ब्रीड के अंदर दोस्तों गायें देख सकते हैं, काफी शानदार भारी भरकम बॉडी स्ट्रक्चर, भारी गलकंबल, अदर क्वालिटी। प्रेग्नेंट है जी अभी? हाँ जी प्रेग्नेंट है जी। कितना समय बाकी है बच्चा देने में? अभी लमसम ले जाएगी सर जी 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन का समय जी से सभी बच्चा देने में जी। दूध क्षमता भाई साहब? दूध क्षमता सर जी 18-19 लीटर। 18 से 19 लीटर। हाँ जी। दूध निकाल देगी जी? आराम से निकाल देगी। आराम से निकाल देगी जी। तो जैसे मतलब सीमन ने डलवाया हुआ है कि जैसे मतलब नेचुरल? सर जी अपने फार्म पे बुल है उससे, जो मतलब डेयरी फार्म पर बुल रखा हुआ है उससे नेचुरल प्रेग्नेंट हुई है? उसी से प्रेग्नेंट है। तो फिर तो मतलब अच्छा बच्चा लेके आई सर जी। जब बछड़ी ले आई जी, जी। तो 6 महीने की लाख रुपए की बछड़ी है सर। तो दोस्तों जो बच्चे भाई साहब के जो बुल के यही दिखाएंगे जी। जी जी जो अभी अपने फार्म पे बुल है जी जी उसका रिजल्ट है सर, ये पहली बछड़ी आई है जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं साहिवाल ब्रीड में काफी अच्छी अच्छी हिफर ऐसी ऐसी ब्रीड तैयार होती है जी। जी तो गाय बार चरने गई हुई है यानी कि? हाँ जी घूमने गई हुई है जी। और प्राइस भाई साहब इसका? सर जी प्राइस है इसका 80,000 रुपये, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है जी। 80,000 रुपये में? हाँ जी 80,000 के अंदर घर पहुंच जी। इससे आगे दूसरे नंबर पर एक और बिल्कुल शांत स्वभाव के अंदर भारी भरकम बॉडी स्ट्रक्चर की ये भी गायें देख सकते हैं आप। अदर क्वालिटी इसकी भी काफी खूबसूरत है, चारों थनों में गैप काफी अच्छे हैं। प्रॉपर डिटेल भाई साहब? सर जी सेकंड बार बच्चा देगी जी और 21 किलो दूध की गारंटी है। 21 किलो दूध की? 21 लीटर दूध की गारंटी है जी। और अपने फार्म की गाय है जी, ये भी फार्म की है जी। और अभी बच्चा देने में इसका 3 से 4 दिन बाकी है, प्रेग्नेंट है। हाँ जी ये प्रेग्नेंट है अभी। ऑर्डर अभी भी बहुत शानदार डेवलप कर रखा है, बहुत शानदार गाय है, बहुत शांत स्वभाव की गाय है जी। स्वभाव तो जैसे भाई साहब हाथ घुमा कर दिखा रहे हैं जी, गाय में कोई भी चिड़चिड़ा रेख सब स्वभाव नहीं है? नहीं नहीं सर, कोई मारना भागना दौड़ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इनकी जी। अभी 1 सप्ताह ले जाइए ब्याने में जी। सर जी 3 से 4 दिन बाकी है। 3 से 4 दिन? हाँ जी। यानी कि जो सलवटें थोड़ी बहुत दिख रही है वो पूरा भर देगी? पूरा भर देगी। ब्यांत इसका दूसरा है सर, सेकंड लगता है? सेकंड बार बच्चा देगी जी। हाँ जी। और प्राइस भाई साहब इसका? 85,000 रुपये जी, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है। 85,000 रुपये? हाँ जी। और अपने फार्म की गाय है जी, बाहर से कोई खरीद के नहीं लेके आए जी इसको जी। जी 85,000 के अंदर? हाँ जी।
घर पहुंच प्राइस जी? घर पहुंच 500 किलोमीटर। यहाँ का प्राइस क्या रहेगा जी? यहाँ का प्राइस सर जी 500 किलोमीटर से कोई भाई आए तो 6000 रुपये कम कर देंगे। 6000 रुपये लेस कर जो भी प्राइस गाय के सभी गायों के बता रहे हैं जी, तो हिसाब से। और 500 से ज़्यादा जिनका किलोमीटर बैठता है वो ऐड कर ले जी। वो 5-10-20 किलोमीटर की कोई बात नहीं है, जैसे 100 किलोमीटर ज़्यादा बैठता है तो सर जी 1300 रुपये के आसपास लगता है। 13 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी जाती है। 13 रुपये पर किलोमीटर? हाँ जी। अप डाउन का भाड़ा लेती है? अप डाउन का भाड़ा, यानी कि 100 जाने का तो 100 आने का भी है, 200 किलोमीटर का। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट एड होता है। हाँ जी, 2600 रुपये मान लो। तीसरे नंबर पर एक और है, खूबसूरत है बछिया, देख सकते हैं दोस्तों, भारी भरकम बॉडी स्ट्रक्चर की है। बॉडी स्ट्रक्चर काफी शानदार है जी इसका। हाँ जी। और राठी नस्ल में है जी? हाँ जी, राठी साहिवाल मिक्स है जी, दोनों ही मिक्स है जी, क्रॉसपन के अंदर है। हाँ, क्रॉसपन मान लो जी, कोई एचएफ वगैरह उसका कोई क्रॉस नहीं है, राठी साहिवाल का मिक्स है जी। राठी साहिवाल? हाँ जी। बाकी है सुंदरता है? बहुत सुंदर बछड़ी है सर जी, इसके फेस के अंदर जो ये व्हाइटपन आ गया जी जी, हर गाय के अंदर देखने को नहीं मिलता है जी जी। प्रॉपर डिटेल क्या है जी इसकी? सेकंड बार बच्चा देगी सर जी, फर्स्ट टाइमर ने दूध दिया था 13 लीटर, पहले ब्यात में 13 लीटर पर डे का दूध दिया। हाँ जी। सेकंड लैक्टेशन में डिलीवरी होने वाली जी। लमसम कितना समय बाकी है जी? अभी ले जाएगी सर जी 10 दिन। 10 दिन? हाँ जी। ऑर्डर स्टार्ट हुआ है अभी? अभी ऑर्डर स्टार्ट हुआ है, अभी काफी ऑर्डर खुलेगा जी। और दूध निकालेगी 14 से 15 लीटर। 14 से 15 लीटर जी? 14-15 लीटर तो मैं बता रहा हूँ जी। दूध सर जी 16 लीटर दूध आराम से निकाल देगी, खुला आराम से जी। और स्वभाव में शांत है? नहीं, बिल्कुल बढ़िया, अच्छा स्वभाव है जी। जी जी, सुंदर बचिया है, छोटी सी बचिया है, कोई बड़ी गाय नहीं है। कोई जैसे मानो ये हिमाचल साइड कोई भाई लेके जाते हैं, वो बोलते हैं हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं तो हमें छोटी गाय चाहिए। छोटी गाय जी। और प्राइस भाई साहब? प्राइस सर जी छोटा सा ही प्राइस है जी, 65000 रुपये। 65000 जी, 65000 रुपये जी। चौथे नंबर पर भी एक बिल्कुल शांत स्वभाव में गाय है जी, और ब्रीड करेक्टर है गाय के, इसके भी काफी शानदार है। प्रॉपर डिटेल क्या है जी? सर जी साहिवाल नस्ल में है, तीसरी बार बच्चा देगी जी, थर्ड लैक्टेशन। हाँ जी, अपने फार्म की गाय है, सेकंड ब्यांत में इसने दूध दिया था 18 लीटर दूसरे ब्यांत। हाँ जी, और अब की बार दूध की उम्मीद है कि भाई 19-20 लीटर दूध आराम से निकाल देगी। 20 दिन का समय बाकी? आराम से सर 20 दिन ले जाएगी। अभी ड्राई हुई है सर जी दूध से? हाँ जी, कुछ 7-8-10 दिन हुए हैं अभी ड्राई हुई है, और अभी अडर बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, 20 दिन आराम से ले जाएगी। तो ये तो भाई लंबी दूरी भी कोई इसको करवाना चाहता है जी, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे महाराष्ट्र हो गया जी, या बिहार साइड हो गई जी, या MP साइड हो गया, तो कोई भाई दूर भी ले जाना चाहता है तो भी उसके लिए सबसे बेस्ट है। गाय है शांत वैसे जी, और दूध क्षमता में जैसे आपने बताई जी, तो वो भी अच्छी रहने वाली है, जैसे सलवटे दिख रही है। दूध क्षमता में रहने वाली है सर जी, अपने फार्म की गाय है, हमने तो खुद इसका दूध 2 बार निकाला है सर जी। जी, तो अडर पूरा भर देती है, टाइट कर देती है जी? पूरा टाइट अडर सर जी, चला भी नहीं जाएगा। यानी कि जो पहले वीडियो में दो गाय 1 नंबर 2 नंबर करके दिखाई है जी, वैसा फिटिंग वाला अडर हो जाएगा बिल्कुल सर, और दूध 19-20 लीटर। हाँ जी सर। प्राइस भाई साहब? प्राइस सर जी 65000 रुपये। 65000 रुपये? हाँ जी। पांचवें नंबर पर एक और बिल्कुल शांत स्वभाव के अंदर है दोस्तों गायें, देख सकते हैं। प्रॉपर डिटेल भाई साहब इसकी? सर जी सेकंड बार बच्चा देगी, प्योर थारपारकर है सर जी। थारपारकर ब्रीड में? सूरतगढ़ जो फार्म है थारपारकर का जी, उसकी ब्लड लाइन है जी। जो इसकी मदर थी वो CCBF फार्म से गई थी, उसकी ये बेटी है 20841 की है ये खुद। अच्छा जी। और जो इसके सिमन रखा है वो भी थारपारकर का है। अब वो जो किसान भाई के पास थी जी, ना तो मैंने पूछा ना उसने बताया सिमन कौन सा रखा था थारपारकर का, उसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता कौन सा सिमन का भाई बच्चा आएगा। अच्छा जी जी। हाँ, बच्चा थारपारकर का आएगा इतनी गारंटी है। अभी दूसरे ब्यांत में प्रेग्नेंट है जी, और अभी ये लमसम ले जाएगी 20 दिन के आसपास सर जी। 20 दिन? हाँ जी। डिलीवरी बाकी है अभी जी। दूध क्षमता भाई साहब? दूध क्षमता सर जी 16 लीटर दूध इसने निकाला था पिछली बार, अब की बार यही 17-18 लीटर के आसपास है सर जी दूध निकाल देगी। हाँ जी सर जी, जिस फार्म की ये ब्लड लाइन है ना, दूध से ये 15 लीटर ही निकाल दे तो भी बहुत है, क्यों ये गाय जो दूध जो भाई लेके जाएगा वो दूध पीने के लिए नहीं लेके जाएगा, जो इसके बच्चे आएंगे ना जी वो एक सर जी हीरा ही होगा। और प्राइस भाई साहब? प्राइस सर जी गाय को देखें तो इसका प्राइस कुछ भी नहीं है जी, और वैसे सर जी 85000 प्राइस है इसका। 85000? हाँ जी। 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट फ्री है, मांगने को तो सर जी इसके टैग लगा हो तो 285 मांग लो तो भी बिक जाएगी।
आज की वीडियो की लास्ट गाय आ गई है जी। जी सर जी, बच्चिया टाइप है। हाँ जी बच्चिया, इसके पीछे साथ में बच्चिया है सर, ब्याही हुई है। हाँ जी ब्याही हुई है, अभी तो खाली है सर जी। जी सुबह दूध निकाल लिया था 5 बजे। जी जी अभी तो अंडर में 2-2.5 लीटर दूध है। ये भी खूबसूरत है जी। दूध रोक के वीडियो बनाते हैं ना, मेरा वो काम नहीं है जी। जी क्यों, मेरे 40-45 रुपए दूध है जो घर से जाता है। जी तो मैं 2 लीटर भी दूध रोकूंगा तो मेरे 80 रुपए का नुकसान है। जी जी, तो मुझे दूध रोकने का कोई शौक नहीं है। बहुत शानदार बछड़ी है और इसके पीछे जो बछड़ी है वो भी साहिवाल नस्ल की है, साहिवाल ब्रीड में। हाँ जी, अंडर क्वालिटी सुंदर है जी, है बिल्कुल पतली चमड़ी की, बिल्कुल पतली चमड़ी की है। और अभी सर जी इसके 14 लीटर दूध तैयार है। 14 लीटर। हाँ जी, चलाना जी। दूसरे ब्यांत में भी आई है? दूसरे ब्यांत में सर जी, दूसरे ब्यांत में बच्चा दिया है, 14 लीटर तक दूध निकालेगी। हाँ जी 14 लीटर अब तैयार है, तो कोई भाई लेके जाए तो अपने 14 पे ही देंगे जी। 14 पर। हाँ जी, प्राइस क्या रहेगा जी? प्राइस सर जी इसका 55,000 रुपए। तो आज की वीडियो में भाई साहब ये 6 गायें अपने कवर करके दिखाई है जी। हाँ जी, यानी कि 14 लीटर से सबसे कम दूध क्षमता वाली गायें हैं, हाईएस्ट 20 लीटर तक है। हाँ जी, हाईएस्ट 20 लीटर है। प्राइस की रेंज भी इस वीडियो के अंदर बताई गई है। हाँ जी, बाकी रेगुलर डेयरी फार्म पर लमसम कितनी गायें रहती है जी? सर रेगुलर तो सेल के लिए यही 20-25 गाय रहती रहती है। सेल हो जाती है, नहीं आ जाती है, सेल हो जाती है, तो हमेशा रहती है सर जी। वैसे तो घर पे तो 40-50 गाय है जो परमानेंट दूध वाली है, ये सब रहती है जी। तो लमसम आपने बताया कि जैसे 200 के करीब गायें आपके पास, प्रेग्नेंट गाय किसान भाई जो प्रेग्नेंट है या छोटी बच्ची है वो अभी बाहर खेतों में गई हुई है, तो जैसे उनमें कोई भाई यहाँ पर विजिट करता है, उनमें कोई पसंद आती है तो वो भी सेल कर दोगे? कोई दिक्कत नहीं है, उनमें पसंद आए तो भी सेल कर दोगे? जी कर देंगे। और बाहर के क्षेत्र में भी घुमा फिरा कर गाय दिला दोगे? अपने पास गाय पसंद ना आए वैसा हो नहीं सकता। जी जी, और कुदरती कोई 1% हो जाए तो बाहर से दिलवा देंगे। तो लमसम जैसे आपने बताया कि पूरे विलेज के अंदर 5,000 के करीब गाय हैं जी, बाहर गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं है जी, जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, तो धन्यवाद भाई साहब, राम राम। राम राम जी। और सभी भाइयों को वीडियो को एंड तक देखने के बहुत बहुत धन्यवाद जी।